या बातमीचे प्रायोजक आहेत इकबाल फॅशन सोलापूर। सोलापूर महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे सर्वंट सोशल फाउंडेशन महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव मंडळाच्या वतीनं ताज सोशल ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष तौफिक शेख, जीएम ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष बाळासाहेब वाघमारे, युवा नेते अदनान शेख, राजाभाऊ हौशेट्टी, पप्पू गायकवाड, अश्विन सोनवणे, कामगार नेते जनार्दन शिंदे, सांगदेव सोनवणे, बामसेफचे लोहारे नुरुद्दीन मुल्ला करणकोट यांच्या हस्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूर्तीचं पूजन करण्यात आलं। वरील पाहुण्यांचा सत्कार सर्वंट सोशल फाउंडेशनच्या वतीनं संस्थापक अध्यक्ष शेषराव शिरसट, उत्सव अध्यक्ष सागर शिरसे, प्रदीप जोशी, बाबासाहेब शिरसागर, अजय शिरसागर, रोहित गवळी, विठोबा शिंदी, बंदे सुजित काळे, सुनील राठोड, बाली मंडेपू यांनी केला। यावेळी सुनील क्षीरसागर साहेब, बुद्धप्रकाश बनसोडे, किशोर कांबळे, अमोल सावंत, पेद्दजी साहेब, सिद्धेश्वर डोळसे, अमोल कांबळे, कामगार कर्मचारी आदी जण उपस्थित होते। बाबासाहेब अम्बेडकर साहब इनकी 132वीं जयंती सोलापुर में, महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। ये हमें गर्व की बात है, खुशी की बात है। इसी तरह खुशी की बात ये भी है कि हमारे रमजान का मुबारक महीना शुरू हुआ है और बाबा साहब की जयंती है और रविवार को मिरवणूक है। तो उस मिरवणूक में जो एक माहौल रहता है पूरे महाराष्ट्र राज्य में, हमारे सोलापुर शहर का नाम रहता है। ये बाबा साहब की जयंती और मिरवणूक जो फेमस है, जो एकदम जोरों शोर से सब लोग एक दिल से, हर पक्ष के, हर जो भी घट तट रहेंगे वो सब बाजू रखते हुए हमारे भीम बांधो, हर पक्ष के हमारे नेतृमंडली कार्यकर्ता जब एक जगह आते हैं, बाबा साहब के विचारों को सोलापुर शहर ने बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का, प्रचार करने का जो काम है वो करते हैं। और आज सोलापुर महानगर पालिका में हमारे कामगार बांधो की जानिब से हमारे शीर्षक हो, बाली हो, दूसरे हमारे साथी हो, जनार्दन साहब शिंदे, दीगर जो भी उनके साथी है, वो सोलापुर महानगर पालिका में बाबा साहब की मूर्ति का आज जो इसका ये उद्घाटन हुआ, इसमें हमारे बाबा साहब वाघमारे हो, बाली हो, नूरुद्दीन मुल्ला साहब, कलवल चाचा और हमारे कामगार नेता जोशी साहब, दीगर सभी उनके साथी। तो अल्लाह ताला का ऐसा करम है कि आज हमें यहाँ पर इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। मैं तमाम जो है कि सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल की गहराई से बाबा साहब की जयंती पे तो जो 14 अप्रैल को हुई है, मिरवणूक जो है वो रविवार को 23 अप्रैल को है। और मैं सब लोगों से गुजारिश करूँगा, विनती करूँगा, बाबा साहब का जो नाम है और बाबा साहब की जो शिकवण है, शिका संगठित हुआ, संघर्ष करा, ये जो इनका बाबा साहब की जो ध्येय वाक्य है हमारे पूरे शहर में, महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में फैलना चाहिए और हम सब लोग उस पर अमल करना चाहिए। और आप सब लोग, अहम बात यह है कि आपको मालूम है महाराष्ट्र राज्य में, हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी सत्ते में है और अभी हालात क्या चल रहे हैं, कैसे लोगों पर जुल्म जाती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। तो हमें ये बात को गौर करते हुए, मद्देनजर रखते हुए, हमें सब आपस में भाईचारा, एक ही इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत को बरकरार रखना चाहिए और बाबा साहब की शिकवण के ऊपर हम सबको अमल करना चाहिए, इतना कहता हूँ। और यहाँ के हमारे जितने भी कामगार निकले गए, हमें यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। महानगरपालिकेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचे पूजेकरिता आमच्या शब्दाला मान देऊन आलेले जे एम संस्थेचे अध्यक्ष तथा आमचे मार्गदर्शक बाळासाहेब वाघमारे साहेब, तसेच ताज सोशल फाउंडेशन आणि आमचे कार्यसम्राट, ज्यांनी नवी जिंदगी परिसर अत्यंत मेहनतीनं, जिथं काहीच नव्हतं असा परिसर सुजलन सुफलन केलेला आहे आणि रात्रंदिवस त्यांची मेहनत तिथं सातत्यानं असते। असे आमचे मेंबर तौफिकजी पहलवान साहेब, तसेच त्यांचे सुपुत्र आदनानजी शेख साहेब, तसेच आमचे राजूजी हौशेट्टी साहेब, तसेच जनार्दन शिंदे साहेब, सोनवणे साहेब, मौला साहेब, तसेच तमाम आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं मी सोलापूर महानगरपालिका सर्वंट सोशल फाउंडेशनच्या वतीनं आभार मानतो। यापुढे देखील असाच आशीर्वाद आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी आपला राहो हीच इच्छा व्यक्त करतो आणि थांबतो। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा।